इनडिफिनिट। अब देखो इसमें आपको क्या रहेगा, एफ एक्स रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, डी एक्स रहेगा, समझ गया। इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं रहेगा, ये चीज आपको जो है ध्यान में रखना है। अब डिफिनिट में क्या रहेगा, अपर लिमिट भी रहेगा और लोअर लिमिट भी रहेगा, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटेग्रल साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटेग्रल साइन। इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। ये आपका क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। क्या हो गया, डेरिवेटिव, एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव हो गया। तो मान के चलो कि एफ एक्स है तो यहाँ पर क्या रहेगा, एक्स एफ वाई है, यहाँ क्या ले लो, डी वाई ले लो। देखो इसमें फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो डी बटे क्या होता है, डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अवकलन क्या होता है, कोस एक्स होता है ना। अब देखो ये कोस एक्स कैसे हो जाता है, एक को हम प्रूफ कर देते हैं, रेस्ट हम फॉर्मूला को लिख देंगे, क्योंकि अब विस्तार पूर्वक बताने का समय है नहीं। इनको प्रूफ कैसे करोगे, तो हम इनको प्रथम सिद्धांत से हम प्रूफ करते हैं। लेट वाई बराबर या एफ एक्स बराबर क्या मान लो, साइन एक्स मान लिए, वाई लिखो यानी कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स। उसके बाद देखो फॉर्मूला आपको होता है, जैसे इनका साइन एक्स का कर रहे हैं ना, साइन एक्स मतलब क्या हो गया, एफ एक्स साइन एक्स मतलब क्या हो गया, ये देखो डी एफ एक्स बटे डी एक्स, इनको हम क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स, इनको हम क्या लिखते हैं, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इनका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, समझ गया ना। ये जो होता है एफ एक्स का मान किसके मान पर निर्भर करता है, ये एक्स के मान पर निर्भर करता है, समझ गया ना, क्योंकि एक्स के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो देखो एफ एक्स का ये जो डेरिवेटिव होगा डी फोर डेरिवेटिव, समझ गया ना। एफ डैश क्या होता है, एक्स होता है। देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है, जब मान निकाल लेते हो प्राप्त कर लेते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं, समझ गया ना। तो डेरिवेटिव प्राप्त करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। एफ डैश एक्स हो गया, एफ डैश एक्स का फॉर्मूला होता है लिमिट एस टेंस टू जीरो, एफ प्लस एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे ये होता है। अब यहाँ पर देखो ये लिमिट एस टेंस टू क्या हो गया, जीरो, एफ देखो एक्स प्लस एच है ना, तो यहाँ पर देखो एक्स है तब ना एक्स है, यहाँ पर एक्स प्लस एच देंगे, एक्स के स्थान पर क्या होगा, नहीं होगा, तो साइन क्या होगा, एक्स प्लस एच हो गया ना। अब ये देखो ये क्या हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया ना, ये एफ एक्स है ना, एफ एक्स का मान क्या है देखो, तो साइन एक्स, ये साइन एक्स हो गया बटे क्या हो गया, एच हो गया ना। कुछ भी रहे, अगर जेड रहेगा तो यहाँ पर जेड होगा, वाई रहे तो यहाँ पर वाई होगा, सी रहे तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स प्लस एच रहे तो क्या होगा, एक्स प्लस एच जैसे ही यहाँ पर आ गया तो एकदम सोचेगा कहाँ से आएगा, तो एफ फोर क्या हो गया, फंक्शन, एफ मीन्स फंक्शन, फंक्शन आपका क्या है, सिर्फ इसे आपको देखेगा, फंक्शन फंक्शन आपका कहाँ है, तो आप क्वेश्चन को देखेगा, फंक्शन तो ये ना है, तो परिवर्तन कहाँ पर हुआ है, एक्स में परिवर्तन हुआ है, एक्स में किसकी वृद्धि हुआ है, एच की, तो इसी के भी एक्स में क्या होगा, एच की वृद्धि होगा, होगा ना। तो साइन एक्स प्लस क्या हो गया, एच, ये आपका माइनस हो गया, एफ एक्स का मान क्या है, साइन एक्स है। अब देखो लिमिट एच इनको क्या बोलते हैं, टेन टी एन डी क्या बोलते हैं, टेन। अब देखो ये जीरो हो गया, अब साइन सी, अब माइनस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख देते हैं, साइन सी माइनस साइन सी प्लस डी बाय टू, साइन क्या होता है,
ये होता है, समझ गया ना? यस सर। यहाँ पर अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पर साइन हो जाएगा, समझ गया ना? यहाँ पर क्या लग जाएगा? कोस लग जाएगा। अब देखो तो साइन ये क्या हो गया, पूरा मान सी, अब माइनस साइन क्या हो गया, डी। तो फॉर्मूला के अनुसार क्या होगा, टू कोस। अब देखो सी प्लस डी है ना, बटे टू, यानी ये मान आपका पूरा क्या हो गया, सी, ये पूरा मान, ये मान डी, डी एक्स क्या हो गया, डी। तो एक्स प्लस क्या करेगा, एच, अब प्लस क्या करेगा, एक्स, अब बटे, अब देखो टू टू, फिर देखो साइन हो गया ना, अब सी माइनस क्या होता है, डी, सी माइनस डी, एक्स प्लस एच, अब माइनस क्या होगा, एक्स बटे दो, ये देखो बटा में क्या होगा, एच होगा। पुनः यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू क्या हो गया, जीरो। अब देखो एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, टू एक्स। अब यहाँ पर देखो ये कोस एक्स प्लस एक्स क्या हो गया, टू एक्स, दो से भाग देंगे क्या बचेगा, एच, फिर दो से भाग एच में भी नहीं पड़ेगा, एच बटे क्या होगा, दो। अब देखो ये साइन है ना, एक्स और एक्स क्या हो गया, कट गया, एच बटे दो हुआ, तो यहाँ पर एंगल में क्या होगा, एक्स बटे दो। अब देखो ये एच तो है, ये एच है, ये है, सवाल से ही देख रहे हो है ना, फॉर्मूला से। अब यहाँ पर क्या है, दो है ना, ये यहाँ पर क्या है, दो है, इस दो को हम एच बटे दो लिख सकते हैं, एच बटे दो हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि पलटेगा तो पुनः ऊपर में चला जाएगा ना, यहाँ पर जो दो था यहाँ पर लिख सकते हैं ना, दो को, उस दो को, क्योंकि पलटेगा तो ऊपर चला जाएगा, ये लिखने का तरीका हुआ। अब देखो लिमिट बारी बारी से दोनों फंक्शन में लग जाएगा, कितना भी फंक्शन गुना रहेगा, देखो ये भी फंक्शन हुआ, ये भी क्या हो गया, फंक्शन, तो कितना भी फंक्शन रहे लिमिट बारी बारी से गुना होकर के सब में लग जाता है। तो लिमिट जो है एक बार इसमें लग गया, फिर लिमिट किसमें लग गया, इसमें लग गया, तो देखो इसमें लिमिट जैसे लगा दिए। अब देखो एच का मान क्या है, जीरो जीरो है ना, एच के स्थान पर क्या दोगे, जीरो, जीरो दे दिए, जीरो हो गया ना। अब देखो ये मान जो है गुना में है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, गुना। अब देखो ये साइन, ये जो है एच बटे दो, इस साइन में क्या किए, भाग दे दिए, कट गया, समझ गया ना, भाग दे दिए, एंगल नहीं कटेगा, एंगल में है, कटेगा नहीं, ऐसे आएगा, तो साइन एच बटे दो और बटे क्या हो गया, एच बटे दो। तो एक फॉर्मूला हमने आपको 11th पढ़ाया था, लिमिट एच टेंस टू जीरो, साइन एक्स बटे एक्स का मान कितना होता है, कितना होता है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, एक, इसलिए x में जीरो जोड़ेगा क्या होगा, x ही न होगा, तो क्या हो गया, कोस, कोस x से एक में गुना करेगा, कोस x न होगा, प्रूव्ड हो गया। तो साइन x का साइन देते हैं, करना का मान होगा कर लेना, ये साइन x हो गया ना, इनको समीकरण एक मान लेना। अब देखो y में हम क्या करेंगे, डेल्टा y की वृद्धि करेंगे, तो साइन ये जो x है इसमें भी आप डेल्टा x की वृद्धि कर दीजिए, ये दो हो गया ना, दो में से एक को घटा दीजिए, टू माइनस क्या करेंगे, वन। तो देखो वाई प्लस डेल वाई, अब माइनस क्या हो गया, वाई साइन एक्स प्लस क्या हो गया, डेल एक्स, अब माइनस साइन एक्स हो गया, ये और ये क्या हो गया, कट गया ना, ये डेल वाई है ना, डेल एक्स से क्या कीजिए, भाग दीजिए दोनों तरफ, साइन एक्स प्लस क्या हो गया, डेल एक्स हो गया ना, तो माइनस क्या हो गया, साइन यहाँ पर क्या हो गया, डेल एक्स हो गया ना,
अब लिमिट लगा देना दोनों तरफ, इधर भी लिमिट लगा देना है, डेल एक्स टेंस टू क्या करो जीरो, इधर भी लगा दो और डेल एक्स टेंस टू क्या करो जीरो, अब बन सकता है ना। देखो तो उसी फॉर्म को ही तो कर लिया, ये साइन एक्स अभी लिखा है, इनसे आपको क्या प्राप्त हुआ डिफरेंशिएशन से, कोस एक्स प्राप्त हुआ ना। देखो इंटीग्रेशन ये क्या लो, कोस एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स, क्या होगा साइन एक्स। आप देखो प्लस किसी में के रहेगा किसी में सी रहेगा, अभी फॉर्मूला लिख रहे हैं ना वो सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, एस एनसीआरटी में लिख दिया प्लस सी कर दिया है क्योंकि इंडिफिनिट है, और इंफिनिट में हम क्या करते हैं कोई भी इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट नहीं जोड़ते हैं। देखो इनका अर्थ क्या होता है, जैसे मान के चलो कि एक्स प्लस क्या हो गया फोर हो गया ना, ये वाई बराबर मान लो, इनका जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्राप्त करो, एक्स का क्या हो गया वन और चार का क्या हो जाता है जीरो, न हो गया जीरो तो वन हो गया ना। अब देखो वन का क्या करोगे इंटीग्रेशन निकालोगे, तो क्या होता है एक्स होता है, जिसके सापेक्ष आप क्या करते हो डेरिवेटिव करते हो, ये एक्स एक्स के सापेक्ष हुआ था, समझ गया ना, इसलिए एक्स यहाँ पर आ जाता है, आ गया ना। अब देखो मामला कहाँ फंस गया, ये एक्स तो मिल गया, एक्स नहीं मिल गया, देखो एक्स यहाँ पर था ना जी, एक्स मिल गया मिल गया, लेकिन रिवर्स प्रोसेस कह रहा है तो चार भी ना मिलना चाहिए, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इसी चार को पुराने के लिए हम ये यहाँ पर लगा देते हैं, समझ गया ना जी, इसी चार को पुराने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जीरो हो गया तो किसका मान जीरो आया था वो पता तुमको नहीं ना है, यहाँ तो हम लिख दिया तब तुमको पता है कि वहाँ पर चार था, और जब जीरो हो जाएगा कैसे पता रहेगा तुमको कि यहाँ पर चार ही था, पांचो दसो कुछ तो हो सकता है, कॉन्स्टेंट का जीरो होता है ना जी डिफरेंशिएशन, तो फॉर्मूला लिख रहे हैं तो सी यार जोड़ना कोई अभी जरूरी नहीं है, इतना याद रखो कि कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स होता है, रट जाओ इसको, समझ गया ना, कोस एक्स हो गया इनका क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, कोस एक्स का क्या होता है, प्रूव करने के लिए उसी प्रकार से प्रूव कर दो, इंटीग्रेशन में देखो अब यहाँ पर साइन एक्स है ना जी, तो यहाँ पर साइन एक्स लो तो बराबर क्या होगा माइनस कोस एक्स, क्या होगा माइनस कोस एक्स, देखो हो रहा है ना, कोस से क्या प्राप्त हुआ था उसी प्रकार से साइन से क्या प्राप्त हो गया है ना। तीसरा फॉर्मूला देखो, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, यानी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला रट लो तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तुमको स्वतः आ जाएगा, देखो टेन से क्या प्राप्त हुआ sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स से क्या प्राप्त हो गया, उसके बाद देखो टेन के बाद अब किसका स्थान आएगा कोट का आएगा माइनस कोट, कोट का क्या होता है माइनस कोट, सी लग गया तो माइनस लग गया, समझ गया ना, एक चीज ट्रिक हमने जो आपको बताया उसके शुरू में सी, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फर्स्ट लेटर सी हो तो उसका डिफरेंशिएशन निगेटिव में होता है, क्या होता है निगेटिव, देखो फर्स्ट लेटर क्या है सी, क्या है डिफरेंशिएशन, फर्स्ट लेटर क्या है सी, डिफरेंशिएशन क्या है, अब उसी प्रकार से देखो ये कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया ना, इनका क्या होगा माइनस कोट एक्स, देखो सेक एक्स
टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x रिवर्स चल रहा है तो अब देखो एक चीज बताना इसमें हम क्या एकदम छोड़ रहे हैं क्या ट्रिक बताएं क्या छोड़े हैं माइनस होगा माइनस होगा क्या है सी है अब ये ट्रिक है ऐसा सी है इसलिए आ गया ये कोनो जरूरी नहीं है समझ गया ना इसको कैसे प्राप्त करेगा किस सूत्र से प्रथम सिद्धांत से अभी जो बताए नहीं तो सर ये जो है डेल्टा एक्स डेल्टा वाई की वृद्धि करके समझ गया ना देखो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स इंटीग्रेशन क्या होगा कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स माइनस कोसेक एक्स होगा समझ गया ना अब देखो लॉग एक्स का क्या होता है वन बाय एक्स इंटीग्रेशन देखो वन बाय एक्स डी एक्स का क्या होगा एक्स उसके बाद देखो ये पावर एक्स का क्या होता है पावर एक्स होता है ना उसके बाद देखो इसमें भी स्पेशल रूप से निकल आता है ये पावर एक्स बाय लॉग ही हो जाएगा एक्स पावर क्या हो गया एन क्यों हो जाता है ऐसा क्योंकि पावर गुना हो जाता है पावर में से घट जाता है ये एन प्लस वन जो है इसमें गुना हो जाएगा एक इसमें से घटेगा तो कट गया एक्स पावर एन हो गया ना ये जो एन प्लस वन है भागा दोगे तो एक मान हो गया ना क्या बचेगा एक्स पावर एन एन बचेगा एक्स पावर एन का क्या होगा पावर में एक जुट जाता है पावर से हम क्या करते हैं तो पावर क्या है एन है देखो पावर क्या है एन है तो पावर में क्या करोगे एक जोड़ दोगे तो एन प्लस क्या हो गया वन एन प्लस वन से क्या करोगे ये जो पावर इनसे हम भाग दे देंगे